तो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में अल्फ़ाबेट यानी कि ABCD हम बेसिकली टेक्निकल ढंग से, ऐसे तो हम घर पे भी बहुत सारे ABCD लिखते हैं, बट टेक्निकल ढंग से यानी कि जो हम ED में लिखते हैं उसे किस तरह से लिखनी है, यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे। तो इस पर भी तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये आपको वही सिंगल स्ट्रोक, सिंगल स्ट्रोक में बेसिकली क्या होता है कि सिंगल स्ट्रोक में एक स्ट्रोक चलनी चाहिए पेंसिल की, एक स्ट्रोक। ये आपका सिंगल स्ट्रोक हो जा रहा। और सिंगल स्ट्रोक में बेसिकली अगर ABCD हम लिखते हैं तो वहाँ पे इस बात का ध्यान देना होता है कि यहाँ पे देखिए ए हम जनरली इस तरह से लिखते हैं, इसे बीच में लिखते हैं, बट यहाँ पे ए को नीचे लिखा जाता है। उसी तरह बी हम इस तरह लिखते हैं, बट बी एक्चुअली में इस तरह का होता है, ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा। इसी तरह से ई की बात कर लीजिए, यहाँ पे देखिए 1 2 3 पे है, ये लाइन है 1 2 3 4 पे यहाँ है। एफ़ की बात कर लीजिए, जी की, एच की, आई हम बेसिकली जनरल अपने जनरल लाइफ में इस तरह ही लिखते हैं, बट अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करो तो वहाँ पे आई पूरी इस तरह से लिखी जाती है, ये काफ़ी मायने रखता है। उसके बाद हम LMNOP और बाकी सब आप देख सकते हैं। तो ये जो आपका बेसिकली जो लिखा हुआ है, ये आपका जो लिखा हुआ जो सिंगल स्ट्रोक में है, यानी कि एक बार ये चली पेंसिल, उसके बाद एक पेंसिल यहाँ पर चली है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, ये है सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटर, कैपिटल वर्टिकल लेटर्स अपर केस। इसी चीज़ को अगर आप एग्ज़ाम में, अगर आप ED की एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो वहाँ पे अपर केस आपका लिखा हुआ होगा, तो इसी आप इस वर्ड से फेमिलियर होना चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चे को ये पता नहीं चलता कि अपर केस का मतलब क्या होता है। जबकि आप कोई भी अपनी ड्राइंग की बुक देखिएगा तो उसके नीचे में ये इतना लिखने के बाद ये अपर केस लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पर देखिए सिंगल स्ट्रोक स्मॉल वर्टिकल लेटर लोअर केस, यानी कि स्मॉल लेटर में लिखना है। तो उसे किस तरह से लिखना है मैं बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ABCDEFGH है, ये आपका है स्मॉल सिंगल स्ट्रोक स्मॉल वर्टिकल लेटर या फिर से लोअर केस का। ये सिंगल स्ट्रोक में बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि सिंगल स्ट्रोक का मतलब ये होता है। अगर हम डबल स्ट्रोक और फिर ट्रिपल स्ट्रोक उसकी आगे हम बात करेंगे। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे एक हुआ नॉर्मल, नॉर्मल में हम क्या होता है बेसिकली दो लेटरों के बीच की गैप एक सही होती है, एक सही मायने में दिया जाता है। जैसे अगर हम लिखें नॉर्मल तो इस तरह से होनी चाहिए। ये आपका हुआ कंडेंसेंस, मतलब कि इसके लेटरों के बीच के डिस्टेंस बहुत ही कम होती है। उसके बाद आपका हुआ स्टैंडर्ड लेटरिंग, इसमें क्या होता है कि लेटरों के बीच के डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटर्स, सिंगल स्ट्रोक है बट इसमें इंक्लाइंड यानी कि लेटर जो है हमें उसे पूरी तरह से इंक्लाइंड लिखनी है, बेसिकली इस तरह। तो देखिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरी तरह से इंक्लाइंड लिखी हुई है। तो इंक्लाइंड, अब बात यहाँ पे है कि ये कितनी तरफ कितने एंगल पर इंक्लाइंड होनी चाहिए, तो बेसिकली 75 जनरल 75 लिखा हुआ होता है। अगर आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है 60 डिग्री या फिर 70 डिग्री तो उस तरह लिखना है, बट अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, अगर सिर्फ लिखने अगर क्वेश्चन में दिया जाए कि इंक्लाइंड है तो अब इसे 75 डिग्री पे इंक्लाइंड करना होता है। ये आपका 75 डिग्री पे है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका 75 डिग्री पे, उसी तरह ये पूरी लेटर लिखी जाएगी। उसके बाद आपका है डबल स्ट्रोक अपराइट और वर्टिकल कैपिटल लेटर्स। डबल स्ट्रोक में बेसिकली क्या होता है कि इस तरह से लिखना, डबल स्ट्रोक में ए आप लिख रहे हो इस तरह से, इस तरह से होगा आपका ए बी, यानी कि डबल स्ट्रोक। ये आपका फर्स्ट सिंगल स्ट्रोक हो गया, ये आपका डबल स्ट्रोक। अगर बी की बात करें तो करीब बी इस तरह से लिखी जाएगी। उसके बाद तो ये आपका बेसिकली डबल स्ट्रोक हो गया। ये डबल स्ट्रोक में भी अगर 70 अगर कहे कि इंक्लाइंड है या फिर इलेक्ट्रिक वर्ड का यूज़ किया जाए तो इसे भी इंक्लाइंड कर देनी होती है, ये इंक्लाइंड। इस तरह से यानी कि आप आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ये, या एंगल, या एंगल बेसिकली होगा वो 75 डिग्री का। उसके बाद यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे रेशियो की बात की हुई है,
बेसिकली अगर हम अगर इसमें रेशियो मेंशन ना हो कि यह रेशियो में कितनी होनी चाहिए, रेशियो का कहने का मतलब अगर हम के लिख रहे हैं तो एक के कितनी होनी चाहिए, एक के या तो ऐसे भी हो सकता है या फिर हम इसे छोटा कर दें और इसे बड़ा कर दें, ये और ये डिस्टेंस बड़ा कर सकते हैं, या फिर इसे हम बड़ा कर दें, इसे छोटा कर दें, तो आखिर क्या इसे कितनी लेनी है या फिर इसे कितनी लेनी है। तो बेसिकली हम जो रेशियो लेते हैं वो रेशियो 7:4 होती है। 7:4 कहने का मतलब ये आपको गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि ये आपका 7 जाएगा, यानी कि आपका जो लेंथ है वो लेटर की 7 जाएगी। और ब्रेथ की बात करें तो 1, 2, 3, 4। तो जनरली अगर क्वेश्चन में ये ना दिया जाए कि ये रेशियो कितनी लेकर लिखनी है तो आपको 7:4 लेकर लिखना है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ ये आपका इंक्लाइन है तो ऐसा हो जाएगा। अब मैं कैपिटल वर्टिकल लेटर की बात करता हूँ, तो ये यहाँ भी आप देख सकते हैं 7:4 यानी कि 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये आपका 7 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7:4 यानी कि 1, 2, 3, 4 7:4 में लिखनी है। ओके, थैंक यू।